हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आज के इस ट्रेवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर महीने में IRCTC के शानदार टूर पैकेजेस की। दरअसल दोस्तों, IRCTC हर महीने पर्यटकों के लिए भारत और विदेश की यात्रा से जुड़े शानदार टूर पैकेज लेकर आता है। यह टूर पैकेज सस्ते होने के साथ ही सभी सुविधाओं और सुरक्षा से लैस होते हैं, जिसमें एयर पैकेज, लैंड पैकेज, सी क्रूज पैकेज और रेल टूर पैकेज शामिल हैं। IRCTC के यह शानदार पैकेज की शुरुआत भारत के 53 से अधिक अलग अलग शहरों से हो रही है। IRCTC टूर पैकेज की जानकारी और बुकिंग के लिए आप अपने मोबाइल में IRCTC का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC.co.in या फिर आप IRCTC टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC.tourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, रीजनल और जोनल ऑफिसर्स के जरिए भी बुकिंग और सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नवंबर महीने में IRCTC कौन कौन से शानदार टूर पैकेज आपके लिए लेकर आया है। तो दोस्तों, जब आप IRCTC टूरिज्म की वेबसाइट में विजिट करेंगे तो उसके होम पेज में आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शंस, जिसमें फ्लाइट्स, होटल्स, बस टिकट, रिटर्निंग रूम, लॉन्च, भारत गौरव ट्रेन, बुद्धिस्ट ट्रेन और बहुत सारे ऑप्शंस। और इन्हीं ऑप्शंस में एक ऑप्शन है टूर पैकेज का। टूर पैकेज वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टूर पैकेज वाले ऑप्शंस में क्लिक करेंगे, आपको नवंबर महीने के सारे टूर पैकेजेस जो IRCTC आपके लिए लेकर आया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, यानी कि आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से टूर पैकेज आपके लिए IRCTC लेकर आया है इसकी जानकारी आपको दें, इसके बारे में आपको बताएं, उससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जब आप IRCTC का कोई भी टूर पैकेज बुक करेंगे तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो बातें सबसे पहले आपको बताते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे जो सबसे ऊपर यहां पर लिखा होता है, ये होता है टूर पैकेज का नाम। उसके नीचे ड्यूरेशन, यानी कि अवधि, कितनी रात और कितने दिन का वो पैकेज है। उसके बाद होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है दोस्तों कि किस जगह से प्रस्थान होगा, कहां से उस पैकेज की शुरुआत होगी। उसके बाद डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान का दिन या प्रस्थान का जो डे है वो यहां पर लिखा होता है। इसके अलावा पैकेज कोड, तो हम आपको बता दें IRCTC हर एक पैकेज को एक कोड देता है, वो कहलाता है पैकेज कोड। उसके बाद होता है डेस्टिनेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है आप कहां कहां विजिट करेंगे, कौन कौन सी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, वो होता है डेस्टिनेशन। अपकमिंग डेट ऑफ जर्नी का मतलब होता है किस दिन से इस पैकेज की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन का मतलब होता है पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है। यदि यहां पर ईयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक ईयर टूर पैकेज है। इसमें फ्लाइट के रिटर्न टिकट्स आपको मिलेंगे। कैब लिखा है तो लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको कैब की सुविधा मिलेगी। होटल, यानी कि आपको होटल की सुविधा मिलेगी। आपने कौन सा कैटेगरी, किस पैकेज के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी आपने बुक की है, उसके अकॉर्डिंग आपको होटल मिलते हैं। मील का प्लान होता है कि कौन कौन सी मील, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, क्या क्या आपको मिलेगा, वो यहाँ पर इंक्लूजन में आता है। इसके अलावा यदि यहाँ पर ट्रेन लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक पैकेज में ट्रेन है, तो यानी कि ये एक ट्रेन रेल टूर पैकेज है। इसमें ट्रेन के रिटर्न टिकट मिलेंगे। इसके अलावा यदि कहीं पर आपको इंश्योरेंस लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। किसी पैकेज में यहाँ पर LTC लिखा होता है तो LTC का मतलब होता है कि वो LTC अप्रूव्ड पैकेज है, यानी कि यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो LTC का इनवॉइस वो अप्लाई कर सकते हैं उस पैकेज का। इसके अलावा हर पैकेज के सामने स्टार्टिंग फ्रॉम लिखा होता है, यानी कि इस पैकेज की शुरुआती कीमत क्या है, शुरुआती पैकेज कॉस्ट क्या है, स्टार्टिंग पैकेज कॉस्ट क्या है, वो होता है स्टार्टिंग। ये लगभग शुरुआती कीमत होती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में पैकेज बुक कर रहे हैं। किसी भी पैकेज की ज्यादा जानकारी के लिए आपको व्यू डिटेल में क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे, उस पैकेज की तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर आपको शो हो जाएंगी, जैसे ओवरव्यू, आइटनरी, यात्रा कार्यक्रम क्या है, इंक्लूजन, पैकेज में क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है, इसके अलावा टर्म्स कंडीशंस क्या है, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है और कॉन्टेक्ट अस, यानी कि कहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
यदि आप पैकेज की बुकिंग करना चाहते हैं तो पैकेज के सामने बने हुए ऑप्शन बुक नाउ पर क्लिक करना है। बुक नाउ के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है और आपकी जो पैकेज है वो बुक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं नवंबर महीने में आईआरसीटीसी के पैकेजेस की। तो जो सबसे पहले पैकेज स्टार्ट हो रहा है वो 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, एक्जोटिक सिक्किम कंफर्म ट्रेन टिकट। ड्यूरेशन है 5 नाइट 6 डेज का, 5 नाइट 6 डेज यानी 5 रातें 6 दिन का ये पैकेज है। शुरुआत हो रही है कोलकाता से एवरी सैटरडे यानी कि 2 नवंबर के बाद प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक वीक के सैटरडे को इसका प्रस्थान होगा। ये एक एयर रेल पैकेज है, एयर टूर पैकेज है यानी कि एयर के रिटर्न टिकट्स, कैब, होटल और मील की सुविधा इसमें मिलेगी। इस पैकेज के जरिए आप गंगटोक और लोंचांग जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसका स्टार्टिंग फेयर है 33,250 रुपए। अगला पैकेज है वाइल्ड डोर्स विद कलिंपोंग कंफर्म ट्रेन टिकट। इसकी ड्यूरेशन है 5 नाइट 6 डेज। कोलकाता से इस पैकेज की शुरुआत हो रही है एवरी सैटरडे यानी कि 2 नवंबर के बाद प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को इसका प्रस्थान होगा। ये एक ट्रेन पैकेज है यानी कि इसमें ट्रेन के रिटर्न टिकट मिलेंगे, होटल की सुविधा है और मील इसमें इंक्लूड है। इस पैकेज के जरिए आप लाथागुड़ी, गोरमार्मा और कलिंपोंग जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत की बात करें तो 28,250 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला जो पैकेज है दोस्तों वो है हिमालयन ट्रैनक्विलिटी कंफर्म ट्रेन टिकट। ये 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो लगभग 28,200 रुपए से इसकी शुरुआती कीमत है और ये इसकी शुरुआत भी कोलकाता से हो रही है एवरी सैटरडे यानी कि हर शनिवार 2 नवंबर के बाद। इस पैकेज के जरिए आप कलिंपोंग, गंगटोक और दार्जिलिंग जैसे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। इस पैकेज में ट्रेन टिकट्स, बस, होटल और मील इंक्लूड है। इस पैकेज की बुकिंग के लिए आप बुक नाउ पर क्लिक कर सकते हो, ज्यादा जानकारी के लिए व्यू डिटेल पर। अगला जो पैकेज है वो है देवभूमि उत्तराखंड यात्रा, 10 नाइट 11 डेज का पैकेज है। हैदराबाद यानी सिकंदराबाद से इस पैकेज की शुरुआत होगी। 3 नवंबर 2024 इसकी डिपार्चर डेट है। इसमें आप काठगोदाम, भीमताल, नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी और रानीखेत जैसे उत्तराखंड के जो फेमस डेस्टिनेशन है इनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसमें ट्रेन के टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और ट्रेवल इंश्योरेंस इंक्लूड है। पैकेज की शुरुआती कीमत 37,220 रुपए है। अगला जो पैकेज है यह है असम एंड मेघालय पैकेज। इस पैकेज में 6 नाइट 7 डेज की ये पैकेज है। ड्यूरेशन है इसकी, ओरिजिन है मुंबई, मुंबई से शुरुआत होगी। डिपार्चर डेट है 3 नवंबर और 21 दिसंबर। इस पैकेज के जरिए आप चेरापुंजी, गुवाहाटी, काजीरंगा, मायनपोंग और सिलोंग जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें पैकेज में आपको एयर टिकट, बस, होटल, मील और इंश्योरेंस इंक्लूड है। स्टार्टिंग कीमत है 58,000 रुपए, स्टार्टिंग फ्रॉम 58,000। अगला जो पैकेज है यह एक्जोटिक थाईलैंड एक्सक्लूडिंग जयपुर। ड्यूरेशन है 5 नाइट 6 डेज का। शुरुआत होगी जयपुर से। एक्सक्लूडिंग यहां पर एक्स लिखा होता है यानी कि एक्सक्लूडिंग जहां भी लिखा होता है यानी कि उस शहर से उसकी शुरुआत होगी। डिपार्चर है 3 नवंबर और 27 दिसंबर। इस पैकेज में आपको एयर टिकट्स, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और ट्रेवल इंश्योरेंस इंक्लूड है। इस पैकेज के जरिए आप पटाया और बैंकॉक जैसे जो बैंकॉक जैसे डेस्टिनेशन है इनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये एक इंटरनेशनल टूर पैकेज है। शुरुआती कीमत है 54,480 रुपए। अगला जो पैकेज है यह है वाराणसी एंड अयोध्या पैकेज, 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। मुंबई से इस पैकेज की शुरुआत होगी। डिपार्चर है 3 नवंबर और 10 नवंबर। इसमें अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है 40,600 रुपए और इस कीमत में आपको फ्लाइट टिकट्स, बस, होटल, मील और ट्रेवल इंश्योरेंस इंक्लूड है। अगला जो पैकेज है यह है थ्रिलिंग ओडिशा, दिवाली स्पेशल ये पैकेज है। 5 नाइट 6 डेज की ड्यूरेशन है। मुंबई से शुरुआत होगी। 5 नवंबर इसका डिपार्चर डेट है। इसकी जो कीमत है वो है लगभग 44,000 रुपए, जिसमें आपको फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं, बस है, होटल है, मील है, गाइड स्कॉट है, इंश्योरेंस इंक्लूड है। इस पैकेज के जरिए आप उड़ीसा के भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पुरी जैसे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। अगला पैकेज है केनिया सफारी। ये एक इंटरनेशनल पैकेज है। इस पैकेज के जरिए आप केनिया जैसे कंट्री को एक्सप्लोर कर पाएंगे। 7 नाइट्स 8 डेज का पैकेज है। कोलकाता से शुरुआत होगी 6 नवंबर
इसकी डिपार्चर डेट है। इसमें एयर टिकट्स, होटल, मील, ट्रेवल इंश्योरेंस इंक्लूड है। ये पैकेज लगभग 2,25,600 रुपए से इसकी शुरुआती कीमत है। अगला जो पैकेज है ये है केरला बेस्ड पैकेज। केरला यदि आप घूमना चाहते हैं तो IRCTC दिवाली में आपके लिए लेके आया शानदार टूर पैकेज। 5 नाइट 6 डेज का ये पैकेज है। मुंबई से इस पैकेज की शुरुआत होगी। 5 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इस पैकेज में आपको एयर टिकट्स, कैब, बस, होटल, मील, इंश्योरेंस इंक्लूड है। इस पैकेज के जरिए आप कोचीन, कुमारकोम, मुन्नार और थेगरी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है लगभग 42,000 रुपए। अगला जो पैकेज है ये भी दिवाली स्पेशल पैकेज है। दिवाली स्पेशल श्रीलंका पैकेज एक्सक्लूडिंग मुंबई। इस पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी। 4 नाइट्स 5 डेज का पैकेज है। 5 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इस पैकेज के जरिए आप श्रीलंका के कोलंबो, कैंडी और नोवारा इलाया जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। ये एक इंटरनेशनल टूर पैकेज है जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 70,000 रुपए है। इसमें आपको फ्लाइट टिकट्स, कैब, बस, होटल, मील और इंश्योरेंस इंक्लूड है। अगला जो पैकेज है यह है मध्य प्रदेश महादर्शन पैकेज। यदि मध्य प्रदेश घूमना चाहते हैं तो IRCTC आपको दे रहा है शानदार मौका। 4 नाइट्स 5 डेज का यह पैकेज है। हैदराबाद से पैकेज की शुरुआत होगी। 6 नवंबर इसके डिपार्चर डेट है। इसमें आप महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन और इंदौर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें आपको फ्लाइट के रिटर्न टिकट्स, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज की स्टार्टिंग कॉस्ट है लगभग 25,350 रुपए। अगला जो पैकेज है यह है दिव्य दर्शन यात्रा विद ज्योतिर्लिंग। यदि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, 7 ज्योतिर्लिंग को दर्शन करना चाहते हैं और साउथ घूमना चाहते हैं तो एक आपके लिए कार्तिक मौसम स्पेशल एक पैकेज है। 8 नाइट्स 9 डेज का पैकेज है। इसकी ओरिजिन, इसकी शुरुआत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से होगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बोर्डिंग और डिबोर्डिंग स्टेशन है। इन सभी जगह से आप यहाँ पर से डिपार्चर कर सकते हैं, इसमें बोर्डिंग कर सकते हैं। इस पैकेज के जरिए आप तिरुवंतमलाई, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, तिरुची और तंजावुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इस पैकेज में आपको ट्रेन टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट, इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। शुरुआती कीमत है सिर्फ 14,250 रुपए। बहुत ही शानदार ये पैकेज है दोस्तों। अगला पैकेज है मिस्टिकल कश्मीर विंटर स्पेशल एक्सक्लूडिंग हैदराबाद। यदि आप हैदराबाद में हैं और कश्मीर घूमना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए लेकर आया है शानदार पैकेज 5 नाइट 6 डेज का। इसकी शुरुआती कीमत है 41,050 रुपए। डिपार्चर डेट की बात करें तो 7 नवंबर, 21 नवंबर, 21 दिसंबर और 27 दिसंबर। और इस पैकेज के जरिए आप कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है। अगला जो पैकेज है यह है तिरुची शिरडी सनी सिंगापुर एक्सक्लूडिंग तिरुची। यदि आप तिरुची पे हैं, 1 नाइट 2 डेज का पैकेज है। आप शिरडी और सनी सिंगापुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें फ्लाइट टिकट, कैब, होटल और मील की सुविधा मिलेगी। कीमत की बात करें तो 20,500 रुपए है और डिपार्चर है 7 नवंबर। अगला पैकेज है एक्जोटिक बाली एक्सक्लूडिंग बेंगलुरु। ये एक इंटरनेशनल टूर पैकेज है। यदि आप बाली घूमना चाहते हैं और बेंगलोर में हैं या बेंगलोर पहुंचकर इसके बुकिंग कर सकते हैं तो 4 नाइट्स 5 डेज का पैकेज है। 7 नवंबर डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट की टिकट, बस, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। लगभग ये 70,000 रुपए से इस पैकेज की शुरुआत हो रही है। इसमें आप बाली जैसे कंट्री को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये पैकेज है बेंगलुरु से। अगला पैकेज है टेंपल टूर ऑफ गुजरात विद गिर नेशनल पार्क। तो ये गुजरात यदि आप घूमना चाहते हैं और साथ साथ में गिर नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 5 नाइट 6 डेज का पैकेज IRCTC आपके लिए लेकर आया है। इसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है। डिपार्चर डेट की बात करें तो 8 नवंबर, 22 नवंबर, 13 दिसंबर, 19 दिसंबर, 24 जनवरी, 29 जनवरी 2025, 14 फरवरी 2025, 7 मार्च और 21 मार्च 2025। इन सभी डेट्स में आप अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको एयर टिकट, होटल, मील, गाइड स्कॉट की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के जरिए आप द्वारिका, पोरबंदर, राजकोट, सासन, गिर और सोमनाथ जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत की बात करें तो 33,470 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है।
अगला पैकेज है अरुणाचल। यदि आप अरुणाचल प्रदेश घूमना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार पैकेज 7 nights 8 days का IRCTC लेकर आया है। न्यू जलपाईगुड़ी से इसकी शुरुआत होगी एवरी फ्राइडे 8 नवंबर के बाद हर शुक्रवार इसका प्रस्थान होगा। इस पैकेज में आपको ट्रेन के टिकट्स, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप न्यू जलपाईगुड़ी, तेजपुर, तवांग और दिरांग जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत की बात करें तो 34,310 रुपए इसकी शुरुआती कीमत है। अगला है रामलला दर्शन विद लखनऊ एक्सक्लूडिंग चंडीगढ़। यदि आप रामलला दर्शन यानी कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर को दर्शन करना चाहते हैं और साथ में लखनऊ भी घूमना चाहते हैं तो एक शानदार पैकेज IRCTC आपके लिए लेकर आया है। 3 nights 4 days का पैकेज है। शुरुआत है चंडीगढ़ से, इसकी शुरुआत होगी एवरी फ्राइडे हर शुक्रवार 8 नवंबर के बाद। इस पैकेज के माध्यम से आप लखनऊ और अयोध्या जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इस पैकेज में आपको ट्रेन के टिकट, कैब, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। कीमत है 6,635 रुपए, ये शुरुआती कीमत है। अगला पैकेज है मेस्मराइजिंग मेघालय एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर। यदि आप मेघालय जैसे सुंदर स्टेट को घूमना चाहते हैं, मेघालय को घूमना चाहते हैं तो 6 nights 7 days का पैकेज है। भुवनेश्वर से इसकी शुरुआत होगी 8 नवंबर डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा है। इस पैकेज के माध्यम से आप गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापुंजी और काजीरंगा जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है लगभग 46,000 रुपए यानी कि 45,790 से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला पैकेज है तिरुपति बालाजी दर्शनम एक्सक्लूडिंग विशाखापट्टनम। यदि आप बालाजी घूमना चाहते हैं, तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो 2 nights 3 days का पैकेज है। विशाखापट्टनम से इसकी शुरुआत होगी 8 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इसमें आपको एयर टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट, इंश्योरेंस और दर्शन टिकट भी मिलेंगे। इस पैकेज के माध्यम से आप कनिपक्कम, श्रीकास्टी, श्रीनवासम और त्रिचनूर, त्रिमाला, तिरुपति जैसे डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हैं। 16,640 रुपए से इस पैकेज की शुरुआत होगी। अगला पैकेज है ट्रेजर्स ऑफ थाईलैंड एक्सक्लूडिंग हैदराबाद। यदि आप थाईलैंड घूमना चाहते हैं तो 4 nights 5 days का पैकेज है। शुरुआत होगी हैदराबाद से, 9 नवंबर इसकी डिपार्चर डेट है। इसमें आपको फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप बैंकॉक और पटाया जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। ये एक इंटरनेशनल टूर पैकेज है। इसकी शुरुआत हो रही है 55,860 रुपए से। अगला पैकेज है डिवाइन कर्नाटका। यदि आप कर्नाटका को घूमना चाहते हैं तो 5 nights 6 days का पैकेज IRCTC आपके लिए लेकर आया है, जिसकी शुरुआत हैदराबाद से होगी 9 नवंबर और 7 दिसंबर इसकी डिपार्चर डेट है। इस पैकेज के माध्यम से आप जो कर्नाटक के फेमस डेस्टिनेशन है इनको घूम पाएंगे, जैसे उदिपी है, यहाँ पर मैंगलोर है, श्रीनगरी है, ऐसे डेस्टिनेशन को आप घूम पाएंगे। इस पैकेज में आपको एयर टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। 34,450 रुपए इसकी शुरुआती कीमत है। अगला है बेस्ट ऑफ नेपाल एक्सक्लूडिंग दिल्ली। यदि आप नेपाल घूमना चाहते हैं तो 5 nights 6 days का पैकेज आपके लिए है। दिल्ली से शुरुआत होगी, 10 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इसमें आपको फ्लाइट के रिटर्न टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप काठमांडू और पोखरा जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत की बात करें तो शुरुआती कीमत है लगभग 40,000 रुपए। अगला पैकेज है गंगटोक एंड दार्जिलिंग एक्सक्लूडिंग मुंबई। यदि आप गंगटोक और दार्जिलिंग को घूमना चाहते हैं और मुंबई में है या मुंबई पहुंचकर इसके लिए प्रस्थान कर सकते हैं। 6 nights 7 days का पैकेज है। 10 नवंबर डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट टिकट, कैब, होटल, मील की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप गंगटोक और दार्जिलिंग जैसे डेस्टिनेशन को घूम पाएंगे। इसकी शुरुआती कीमत है लगभग 58,000 रुपए। अगला पैकेज है गंगटोक एंड दार्जिलिंग एक्सक्लूडिंग मुंबई। सेम पैकेज है लेकिन इसकी जो डिपार्चर डेट है वो है 10 नवंबर इसकी डिपार्चर डेट है और 6 nights 7 days का पैकेज है। और इस पैकेज के माध्यम से आप दार्जिलिंग और पेलिंग, गंगटोक जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। और इसका जो कोड है, बस, पैकेज सेम है। इसमें आपको एयर टिकट है, कैब है, होटल है, मील, सब कुछ इंक्लूड है और कीमत इसकी है 53,900 रुपये। तो ये एक थोड़ा सा कम कीमत वाला है, तो आप इस पैकेज को भी देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं।
अगला पैकेज रामेश्वरम से जुड़ा हुआ है। यदि आप रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो रामेश्वरम मदुरई विद केरला एक्सक्लूडिंग जयपुर 7 nights 8 days का पैकेज है। जयपुर से इस पैकेज की शुरुआत होगी 9 से 9, इसकी जो डिपार्चर डेट है वह 11 नवंबर, 19 दिसंबर, 26 दिसंबर और 22 जनवरी 2025 और 24 फरवरी 2025। इस पैकेज के माध्यम से मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कुमारकोम, मुन्नार और कोची जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें आपको फ्लाइट टिकट्स, बस, होटल, मील की सुविधा मिलेगी। कीमत है 54,585 रुपए। अगला पैकेज है दिवाली स्पेशल सिंगापुर एंड मलेशिया एक्सक्लूडिंग मुंबई। ये एक इंटरनेशनल टूर पैकेज है 6 nights 7 days की। इसकी ड्यूरेशन है, मुंबई से पैकेज की शुरुआत होगी 11 नवंबर डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट टिकट, कैब, बस, होटल, मील और गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इसमें आप सिंगापुर और कुआलालंपुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है लगभग 1,30,000 रुपए। ये शुरुआती कीमत है। अगला जो पैकेज है ये है अयोध्या मुक्तिनाथ नेपाल चार्टर कोच टूर 12 nights 13 days का पैकेज है। चेन्नई, त्रिची और मंडपम से इसकी शुरुआत होगी। 11 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इस पैकेज के माध्यम से आप अयोध्या, पोखरा और मुक्तिनाथ और काठमांडू जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें आपको ट्रेन के टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। शुरुआती कीमत है लगभग 50,000 रुपए। अगला पैकेज है राजस्थान से जुड़ा हुआ। यदि आप राजस्थान घूमना चाहते हैं तो राजस्थान डेजर्ट सर्किट एक्सक्लूडिंग इंदौर 5 nights 6 days का पैकेज है। इंदौर से पैकेज की शुरुआत होगी। इसका जो डिपार्चर डेट है वो है 11 नवंबर। इसमें फ्लाइट टिकट, कैब, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नाथद्वारा और उदयपुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत की बात करें तो 36,650 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला पैकेज है राजस्थान डेजर्ट सर्किट एक्सक्लूडिंग भोपाल। तो इस पैकेज की शुरुआत भोपाल से हो रही है। 5 nights 6 days का पैकेज है। 11 नवंबर डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से भी आप अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नाथद्वारा, पुष्कर और उदयपुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। 36,000 रुपए इस पैकेज की शुरुआती कीमत है। अगला पैकेज है ग्रीन ट्रायंगल ऑफ उत्तराखंड। यदि आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर और दिल्ली जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे इस पैकेज के माध्यम से। शुरुआत हो रही है हैदराबाद से। 7 nights 8 days का पैकेज है। एवरी ट्यूसडे यानी कि 12 नवंबर 2024 के बाद हर मंगलवार इसका प्रस्थान है। ट्रेन के टिकट मिलेंगे, इसमें आपको कैब है, होटल है, मील है, इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत है 22,640 रुपए। अगला पैकेज है पूजा स्पेशल अमेजिंग बाली एक्सक्लूडिंग मुंबई 4 nights 5 days का पैकेज है। एक इंटरनेशनल पैकेज है। इसकी शुरुआत हो रही है मुंबई से। 4 nights 5 days का ये पूरी इसकी ड्यूरेशन है। 12 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इसमें आपको फ्लाइट की टिकट, कैब, बस, होटल, मील, इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। डेस्टिनेशन है बाली और लगभग शुरुआती कीमत है 90,000 रुपए। अगला है महाकालेश्वर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन। तो यदि आप महाकालेश्वर ओमकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो 5 nights 6 days का पैकेज है। शुरुआत होगी कोलकाता से। 12 नवंबर डिपार्चर डेट है। इसमें आपको फ्लाइट की टिकट, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और मांडू जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है लगभग 44,620 रुपए। अगला पैकेज है गुजरात द डिवाइन सौराष्ट्र। ये पैकेज है गुजरात के लिए। यदि आप गुजरात घूमना चाहते हैं जैसे वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, इन सभी डेस्टिनेशन को घूमना चाहते हैं तो आपके लिए पैकेज परफेक्ट है। 6 nights 7 days का पैकेज है। कोलकाता से शुरुआत होगी। 12 नवंबर डिपार्चर डेट है। इस पैकेज में आपको एयर टिकट, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। कीमत है लगभग 44,000 रुपए। अगला पैकेज है होली काशी विद अयोध्या राम मंदिर। यदि आप काशी यानी कि वाराणसी और अयोध्या घूमना चाहते हैं तो 4 nights 5 days का पैकेज आपके लिए IRCTC लेके आया है। कोलकाता से शुरुआत होगी। 12 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इस पैकेज के माध्यम से आप वाराणसी, सोमनाथ, प्रयागराज और अयोध्या जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। सारनाथ को कवर करेंगे और इसमें फ्लाइट टिकट, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इसकी कीमत है लगभग 30,500 रुपए। अगला पैकेज है दिवाली स्पेशल बाली विथ 4-star accommodation
along a weekend special excluding लखनऊ। तो यदि आप बाली घूमना चाहते हैं और यहाँ पर आपको जो होटल मिलेगा वो 4-star accommodation वाला मिलेगा। 5 nights 6 days का पैकेज है। लखनऊ से शुरुआत होगी, 13 November की डिपार्चर डेट है। इसमें आपको ये टिकट, बस, होटल, मील, गाइड, स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। कीमत है लगभग 94,000 रुपए। अगला पैकेज है चेन्नई गया वाराणसी इलाहाबाद अयोध्या चेन्नई अमावस्या स्पेशल। 6 nights 7 days का पैकेज है। चेन्नई से शुरुआत होगी, डिपार्चर 14 November। इस पैकेज के माध्यम से अयोध्या, बोधगया और वाराणसी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इस पैकेज में आपको एयर टिकट, बस, होटल, मील और गाइड स्कॉट की सुविधा मिलेगी। शुरुआती कीमत है लगभग 40,000 रुपए। अगला पैकेज है चेन्नई सबरीमाला तिरुवनंतपुरम चेन्नई पैकेज। यदि आप सबरीमाला और तिरुवनंतपुरम घूमना चाहते हैं तो 4 nights 5 days का पैकेज है। चेन्नई से शुरुआत होगी, एवरी थर्सडे 14 November के बाद हर गुरुवार इसका प्रस्थान होगा। इसमें ट्रेन के टिकट और मील की सुविधा मिलेगी। इसकी कीमत है लगभग 7,870 रुपए। अगला पैकेज है चेन्नई सिडनी सनी सिंगापुर एक्सक्लूडिंग चेन्नई 1 night 2 days का पैकेज है। शुरुआत होगी चेन्नई से, 14 November इसकी डिपार्चर डेट है। इस पैकेज के माध्यम से आप सिडनी और सनी सिंगापुर को घूम पाएंगे। इसमें आपको एयर टिकट, कैब, होटल और मील की सुविधा मिलेगी। 19,800 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला पैकेज है ज्योतिर्लिंग हेरिटेज एक्सक्लूडिंग चंडीगढ़। तो ये 5 nights 6 days का पैकेज है। चंडीगढ़ से शुरुआत होगी, 15 November डिपार्चर डेट है। एयर टिकट है, बस है, होटल है, मील की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंडू और महाकालेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। कीमत है 35,300 रुपए। अगला पैकेज है थ्रिलिंग थाईलैंड एक्सक्लूडिंग गुवाहाटी। यदि आप थाईलैंड घूमना चाहते हैं तो 5 nights 6 days का पैकेज है। शुरुआत होगी गुवाहाटी से, इसकी डिपार्चर डेट है 15 November और इसमें आप बैंकॉक और पटाया को घूम पाएंगे और इसमें एयर टिकट मिलेंगे आपको, होटल है, मील है, गाइड स्कॉट है, इंश्योरेंस की सुविधा है। कीमत है लगभग 55,700 रुपए। ये शुरुआती कीमत है। अगला जो पैकेज है वो भी थाईलैंड से जुड़ा हुआ है, थ्रिलिंग थाईलैंड एक्सक्लूडिंग बाग डोगरा। 5 nights 6 days का पैकेज है। बागडोगरा से शुरुआत होगी, 15 November की डिपार्चर डेट है। बैंकॉक और पटाया जैसे डेस्टिनेशन को घूम पाएंगे। इसमें एयर टिकट, होटल, मील, गाइड स्कॉट, इंश्योरेंस की सुविधा है। कीमत है लगभग 55,700 रुपए। अगला पैकेज भी थाईलैंड से जुड़ा हुआ है, थ्रिलिंग थाईलैंड एक्सक्लूडिंग अगरतला। इसकी शुरुआत अगरतला से होगी, 15 November डिपार्चर डेट है और बाकी इसमें सब कुछ आपको वही मिलेगा जो पीछे वाले पैकेज में, यानी कि एयर टिकट, होटल, मील, गाइड स्कॉट, इंश्योरेंस। कीमत भी लगभग सेम है, सिर्फ लोकेशन अलग है, डिपार्चर जो है वो अलग अलग जगह से हो रहा है। थ्रिलिंग थाईलैंड एक्सक्लूडिंग अजावल, तो इसकी शुरुआत होगी अजावल से। ये भी थाईलैंड से जुड़ा हुआ पैकेज है। 15 November की डिपार्चर डेट है और इसमें आप बैंकॉक और पटाया जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है 55,700 रुपए। अगला पैकेज है कच्छ एंड भुज द व्हाइट एंड ब्लू वंडर एक्सक्लूडिंग मुंबई, यानी कि 3 nights 4 days का ये पैकेज है, जिसमें आप कच्छ और भुज के जो रण है, जो वहां का व्हाइट डेजर्ट है, उसको घूम पाएंगे। इसमें आप की जो इसमें 15 November से इसकी शुरुआत हो रही है। एयर टिकट है, कैब है, बस है, होटल, मील, इंश्योरेंस इंक्लूड है। 28,200 रुपए से इसकी शुरुआती कीमत है। अगला जो पैकेज है ये बाली से जुड़ा हुआ पैकेज है, इंटरनेशनल पैकेज है। 5 nights 6 days का पैकेज। दिल्ली से शुरुआत होगी, डिपार्चर डेट है 15 November। इसमें फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट, इंश्योरेंस की सुविधा है। इसमें आप बाली को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कीमत है शुरुआती 91,000 रुपए, यानी कि 91,000। अगला पैकेज है साउथ इंडिया टूर। यदि आप साउथ इंडिया घूमना चाहते हैं तो 5 nights 6 days का पैकेज है। शुरुआत होगी मुंबई से, इसकी जो डिपार्चर डेट हुआ है 15 November, जिसमें आपको फ्लाइट टिकट, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप कन्याकुमारी, कोवलम, मदुरई, रामेश्वरम और तिरुवनंतपुरम को घूम पाएंगे। कीमत है इसकी शुरुआती 40,000 रुपए। अगला है रंगीला राजस्थान। यदि आप राजस्थान घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 7 nights 8 days का पैकेज है। शुरुआत होगी लखनऊ से, 15 November डिपार्चर डेट है, जिसमें आपको फ्लाइट टिकट, बस, होटल और मील की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और पुष्कर जैसे डेस्टिनेशन को घूम पाएंगे। कीमत है लगभग 46,000 रुपए। अगला पैकेज है रॉयल राजस्थान एक्सक्लूडिंग मुंबई। यदि आप राजस्थान घूमना चाहते हैं, मुंबई में है, तो 8 nights 9 days का ये पैकेज बुक कर सकते हैं। 15 November की डिपार्चर डेट है। इसमें आपको फ्लाइट टिकट,
बस, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर और उदयपुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर कर पाएंगे। शुरुआती कीमत है 52,800 रुपए। अगला पैकेज है थाई ट्रेजर्स टूर एक्सक्लूडिंग पोर्ट ब्लेयर। तो थाईलैंड घूमना चाहते हैं, 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। शुरुआत होगी पोर्ट ब्लेयर से, 15 नवंबर डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट टिकट, होटल, मील, गाइड स्कॉट, इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। कीमत है 58,800 रुपए। अगला पैकेज है भुवनेश्वर, ये है साइंस ऑफ गुजरात विद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर। यदि आप भुवनेश्वर में हैं तो और गुजरात घूमना चाहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमना चाहते हैं, तो 7 नाइट्स 8 डेज का ये पैकेज है। इस पैकेज के माध्यम से आप अहमदाबाद, द्वारिका और सोमनाथ जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। शुरुआती कीमत है 40,000 रुपए, जिसमें आपको फ्लाइट के रिटर्न टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। अगला पैकेज है थाई ट्रेजर्स टूर एक्सक्लूडिंग कोलकाता। ये एक इंटरनेशनल टूर पैकेज है, 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। कोलकाता से शुरुआत होगी, 15 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट टिकट, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। 46,300 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला है द विंटर स्केप ऑफ गंगटोक एंड दार्जिलिंग एक्सक्लूडिंग चेन्नई। 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। चेन्नई से शुरुआत होगी, 16 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इस पैकेज के माध्यम से दार्जिलिंग, गंगटोक और कलिंपोंग जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें एयर टिकट, कैब, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा है। लगभग 53,000 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला पैकेज है केरला से जुड़ा हुआ। यदि आप केरला घूमना चाहते हैं तो केरला एयर पैकेज एक्सक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली से इस पैकेज की शुरुआत होगी, 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। 16 नवंबर और 26 फरवरी 2025 इसकी डिपार्चर डेट है। फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा है। मुन्नार और थेकरी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। 46,300 रुपए इसकी शुरुआती कीमत है। अगला पैकेज है देवभूमि उत्तराखंड यात्रा। 10 नाइट्स 11 डेज का पैकेज है। कोलकाता से शुरुआत होगी, 16 नवंबर की डिपार्चर डेट है। ट्रेन के रिटर्न टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, चकोरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और भीमताल जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है लगभग 7,220 रुपए। अगला पैकेज है रॉयल राजस्थान टूर एक्सक्लूडिंग विशाखापट्टनम। यदि आप विशाखापट्टनम में है और राजस्थान घूमना चाहते हैं तो 9 नाइट्स 10 डेज का ये पैकेज है। 17 नवंबर की डिपार्चर डेट है। फ्लाइट के टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट, इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, माउंट आबू, पुष्कर, उदयपुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। 48,630 रुपए इस पैकेज की शुरुआती कीमत है। अगला पैकेज है हेरिटेज ट्राइंगल। 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। हैदराबाद से शुरुआत होगी, एवरी मंडे 18 नवंबर के बाद हर सोमवार को इसका प्रस्थान होगा। दिल्ली, आगरा और मथुरा जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें आपको ट्रेन, कैब, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। कीमत है सिर्फ 14,830 रुपए। अगला पैकेज है एक्जोटिक अंडमान एक्सक्लूडिंग इंदौर। यदि आप अंडमान घूमना चाहते हैं और इंदौर में हैं, तो 6 नाइट 7 डेज का पैकेज आपके लिए IRCTC लेके आया है। 19 नवंबर इसकी डिपार्चर डेट है। एयर टिकट्स, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील आइलैंड को घूम पाएंगे। शुरुआती कीमत है 57,550 रुपए। अगला पैकेज है गोल्डन ट्राइंगल। 7 नाइट्स 8 डेज का पैकेज है। हैदराबाद से शुरुआत होगी, एवरी थर्सडे 20 नवंबर के बाद हर गुरुवार इसका प्रस्थान होगा। इसमें आपको ट्रेन के टिकट, कैब, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। आगरा, दिल्ली और जयपुर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। शुरुआती कीमत है 20,890 रुपए। अगला पैकेज है एशियन एक्स्ट्रा वेगंजा सिंगापुर मलेशिया एक्सक्लूडिंग चेन्नई। ये एक इंटरनेशनल टूर पैकेज है। इसमें आप सिंगापुर और मलेशिया जैसे कंट्री को एक्सप्लोर कर पाएंगे। चेन्नई से इसकी शुरुआत होगी, 5 नाइट्स 6 डेज इसकी ड्यूरेशन है। इसमें आपको एयर टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। डिपार्चर डेट है 22 नवंबर। कीमत है 1,12,000 रुपए। अगला पैकेज है तिरुमला बालाजी दर्शन एक्सक्लूडिंग पुरी। 4 नाइट्स 5 डेज का पैकेज है। शुरुआत होगी पुरी से फ्राइडे यानी कि 22 नवंबर के बाद हर शुक्रवार का डिपार्चर होगा। ट्रेन टिकट, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा है। इस पैकेज के माध्यम से आप तिरुमला और तिरुचेन्नूर जैसे डेस्टिनेशन कवर करेंगे। कीमत है 10,445 रुपए। अगला पैकेज है वाइबेंट वियतनाम विद क्रूज। ये क्रूज पैकेज है। इसमें आपको
9 नाइट्स 10 डेज की ड्यूरेशन होगी, जिसमें आप हनोई, दानोंग, हो ची मिन्ह सिटी को घूम पाएंगे। लखनऊ में से इसकी शुरुआत हो रही है, 22 नवंबर डिपार्चर डेट है। फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील, गाइड, स्कॉट, इंश्योरेंस की सुविधा। कीमत है 1,37,500 रुपए। अगला पैकेज है गोवा वाइब्स गुड टाइम्स, 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज है। रांची से शुरुआत होगी, 22 नवंबर और 20 दिसंबर इसकी डिपार्चर डेट है। इसमें आपको एयर टिकट, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा है। इसमें आप गोवा को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कीमत है 36,470 रुपए। अगला पैकेज है अमेजिंग अंडमान एक्सक्लूडिंग दिल्ली, 5 नाइट्स 6 डेज का पैकेज है। इसमें आप अंडमान के नील, नॉर्थ बे आइलैंड, पोर्ट बिलिया और रोज आइलैंड को घूम पाएंगे। 22 नवंबर इसकी डिपार्चर डेट है। इसमें फ्लाइट की टिकट, कैब, होटल, मील की सुविधा मिलेगी। अगला पैकेज है एशियन एक्स्ट्रावेगंजा सिंगापुर मलेशिया एक्सक्लूडिंग तिरची, तिरची से शुरुआत होगी। 5 नाइट्स 6 डेज का पैकेज है, जिसमें आपको एयर टिकट, बस, होटल, मील, गाइड, स्कॉट, इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से मलेशिया और सिंगापुर को घूम पाएंगे। कीमत है शुरुआती 1,12,000 रुपए। अगला पैकेज है रन ऑफ कच्छ विद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सक्लूडिंग दिल्ली, 6 नाइट्स 7 डेज का पैकेज है। इस पैकेज के माध्यम से अहमदाबाद, भोज, धोर्डो और केवड़िया जैसे डेस्टिनेशन को कवर कर पाएंगे। डिपार्चर डेट है 23 नवंबर और 12 दिसंबर। एयर टिकट्स, बस, होटल, मील की सुविधा इसमें आपको मिलेगी। शुरुआत कीमत है 47,400 रुपए। अगला पैकेज है कर्नाटका स्प्लेंडर्स एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर। यदि आप कर्नाटका घूमना चाहते हैं, जैसे मैंगलुरु, मैसूर, कुर्ग, हसन, बिल्लोर और हलबिदिदु, तो इन सभी डेस्टिनेशनों को घूमना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पैकेज है। 23 नवंबर की डिपार्चर डेट है। कीमत है 36,840, जिसमें आपको मिलेंगे एयर टिकट्स, बस, होटल, मील, गाइड, स्कॉट और इंश्योरेंस। अगला पैकेज है एक्जोटिक केरला विद कन्याकुमारी। यदि आप केरला घूमना चाहते हैं, 6 नाइट 7 डेज का पैकेज है। इसमें अहमदाबाद से इस पैकेज की शुरुआत होगी। 24 नवंबर डिपार्चर डेट है। इस पैकेज के माध्यम से मुन्नार, थेगड़ी, कुमारकोम, कोवलम और कन्याकुमारी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। शुरुआती कीमत 48,200 रुपए, जिसमें आपको फ्लाइट टिकट, कैब, होटल, मील और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। अगला पैकेज है अमृतसर धर्मशाला वैष्णो देवी एक्सक्लूडिंग तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम से इस पैकेज की शुरुआत होगी। 6 नाइट 7 डेज का पैकेज है। 25 नवंबर 2024 का डिपार्चर डेट है, जिसमें आपको फ्लाइट की टिकट, बस, होटल, मील और गाइड स्क्वाड की सुविधा मिलेगी। कीमत की बात करें तो 54,600 रुपए है, जिसमें आप अमृतसर, धर्मशाला और वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों को घूम पाएंगे। अगला पैकेज है स्पिरिचुअल तिरुपति दर्शन एक्सक्लूडिंग चंडीगढ़। तो ये पैकेज है आपके लिए तिरुपति घूमने के लिए। तो 2 नाइट 3 डेज का पैकेज है। चंडीगढ़ से शुरुआत होगी। 27 नवंबर की डिपार्चर डेट है। इसमें एयर टिकट, बस, होटल, मील और दर्शन टिकट शामिल है। इसमें आप तिरुपति जैसे डेस्टिनेशन को कवर कर पाएंगे। कीमत है 24,640 रुपए। अगला पैकेज है मल्लिकार्जुन रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। यदि आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी यानी कि आरएफसी को घूमना चाहते हैं तो 2 नाइट 3 डेज का पैकेज है। जयपुर से शुरुआत होगी। डिपार्चर है 28 नवंबर और इसमें आप हैदराबाद और मल्लिकार्जुन जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। इसमें फ्लाइट टिकट है, बस, होटल, मील की सुविधा मिलेगी। कीमत है 22,130 रुपए। अगला पैकेज है श्री रामायण यात्रा पैकेज, 16 नाइट 17 डेज का पैकेज है। शुरुआत होगी दिल्ली के सफदरजंग से। इसके अलावा अलीगढ़, इटावा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और टुंडला, इसके लिए डेस्टिनेशन बोर्डिंग है यानी कि डिबोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग पॉइंट्स हैं। 28 नवंबर की डिपार्चर डेट है। ट्रेन के टिकट, बस, होटल, मील और गाइड स्कॉट इंश्योरेंस की सुविधा है। इस पैकेज के माध्यम से आप अयोध्या, बक्सर, चित्रकूट, हम्पी, जनकपुर, नंदीग्राम, नासिक, प्रयागराज, रामेश्वरम, सीतामढ़ी और वाराणसी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है 94,550 रुपए। बहुत ही शानदार ये पैकेज है। अगला पैकेज है दार्जिलिंग दुबई अबू धाबी एक्सक्लूडिंग चेन्नई। यदि आप दुबई और अबू धाबी घूमना चाहते हैं तो आपके लिए एक इंटरनेशनल पैकेज IRCTC लेके आया है और ये पैकेज है 4 नाइट्स 5 डेज का। शुरुआत होगी चेन्नई से। 28 नवंबर इसकी डिपार्चर डेट है। यह टिकट, बस, होटल, मील की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज की शुरुआती कीमत 91,500 रुपए है यानी कि 91,500 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है। अगला पैकेज है डिवाइन पुरी टूर पैकेज।
इस पैकेज के माध्यम से आप भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पुरी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। कीमत है 31,500 रुपए, जिसमें आपको एयर टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से आप पुरी को घूम पाएंगे। साथ में इसकी जो डिपार्चर डेट है वो है 29 नवंबर। अगला पैकेज है ज्योतिर्लिंग ऑफ मध्य प्रदेश एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर। यदि आप मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जैसे डेस्टिनेशन को कवर करना चाहते हैं, उज्जैन घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए IRCTC 5 नाइट 6 डेज का एक बहुत ही सुंदर पैकेज लेके आया है। 29 नवंबर इसकी डिपार्चर डेट है, जिसमें आपको फ्लाइट टिकट, बस, होटल, मील, गाइड स्कॉट और इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। 34,725 रुपए इसकी शुरुआती कीमत है। अगला पैकेज है हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ एक्स्ट्रावेगेंजा एक्सक्लूडिंग, ये है दीमापुर। तो 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज है, जिसमें आप कोहिमा जैसे डेस्टिनेशन को घूम पाएंगे। डिपार्चर है डेली, यानी कि 30 नवंबर के बाद इसके डिपार्चर डेली है। कीमत है 17,290 रुपए। अगला पैकेज है ईस्टर्न हिमालय विद कंफर्म ट्रेन टिकट, 5 नाइट 6 डेज का पैकेज है। कोलकाता से शुरुआत होगी, एवरी सैटरडे यानी कि 30 नवंबर के बाद हर शनिवार इसका प्रस्थान होगा, जिसमें ट्रेन के टिकट, होटल, मील की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के माध्यम से गंगटोक, दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी को घूम पाएंगे। तो इस पैकेज की शुरुआती कीमत है 26,950 रुपए। अगला है नैनीताल कास्टेल विद कंफर्म ट्रेन टिकट, 12 नाइट 13 डेज का पैकेज है। कोलकाता से शुरुआत होगी, एवरी सैटरडे इसकी डिपार्चर डेट है, यानी कि 30 नवंबर के बाद हरिद्वार, नैनीताल और ऋषिकेश जैसे डेस्टिनेशन को कवर कर पाएंगे। इसमें ट्रेन टिकट, होटल और मील की सुविधा मिलेगी। 31,500 रुपए इसकी शुरुआती कीमत है। अगला पैकेज है हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ एक्स्ट्रावेगेंजा एक्सक्लूडिंग गुवाहाटी। तो ये जो पैकेज है ये 4 नाइट 5 डेज का पैकेज है। गुवाहाटी से शुरुआत होगी, डिपार्चर डेली है और इसमें जो कीमत है इसकी बात कर 16,860 रुपए, जिसमें आप कैब, होटल, मील और इंश्योरेंस की आपको सुविधा मिल रही है। तो ये जो पैकेज थे दोस्तों, ये थे IRCTC के नवंबर महीने के। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी पैकेज बुक करना चाहते हैं तो उसके सामने बने हुए ऑप्शन बुक नाउ पर क्लिक करना है, डिटेल्स फिल करनी है और इजली इस पैकेज को आप बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे IRCTC के नवंबर महीने के शानदार टूर पैकेजेस। तो अगर आप भी IRCTC टूर पैकेज का प्लान करते हैं तो यही आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरटेनिंग और ट्रेवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। IRCTC टूर पैकेज से ट्रिप का प्लान बनाएं और करें एक नेजगे चेक इन और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नई ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।